आप भी शिखर धवन और पृथ्वी शो को जबरदस्त बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब जानते हैं भारत का श्रीलंका दौरा पोस्टपोन हो चुका है। जो सीरीज पहले 13 जुलाई से खेली जानी थी अब 18 जुलाई से पहले ODI मैच से शुरू होगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम ने प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाया। आइए दोस्तों बताते हैं भारतीय टीम की जबरदस्त प्रैक्टिस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या में से कौन जबरदस्त ऑलराउंडर है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें कि भारत का श्रीलंकाई दौरा 18 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसके लिए BCCI ने भारत के जबरदस्त युवाओं से सजी टीम तैयार करके इस दौरे के लिए रवाना कर दी है। बता दें कि हाल ही में सीरीज को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही थी, जिसे देखकर ये कहा जा सकता था कि इस पीरियड पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अब BCCI और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत से ये सामने आया है कि सीरीज को 5 दिन आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों पोस्टपोन करने की वजह से श्रीलंकाई टीम के कई खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने को बताया जा रहा था। इस वजह से दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच सीरीज को लेकर चिंता का तनाव हो गया है। लेकिन भारतीय टीम पर इस तनाव को लेकर कोई भी प्रेशर नहीं है। बता दें कि प्रैक्टिस करने उतरे भारत के बल्लेबाज जिन्होंने प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। नेट पर उतरे भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शो की बल्लेबाजी को देखकर भारतीय खेमे के गेंदबाज चिंता में आ गए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हर एक गेंद को चौके या छक्के में तब्दील करना चाहते हैं। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त शॉट्स का प्रदर्शन किया। वहीं के बाद नेट में बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पाडिकल और सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी करी। उनके बल्लेबाजी को देखकर ये लग रहा था कि वो बल्लेबाजी करने नहीं अपने बल्ले से आग उगलने उतरे हैं। वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ये लग रहा था कि मानो गेंद बाउंड्री के पार जाना लिखा हो। उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ सूझबूझ भरे शॉट भी खेले। वहीं जबरदस्त खिलाड़ियों के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिसे देखकर भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने बल्ले से मैदान पर चौकों और छक्कों की बौछार कर दी थी। उनके बल्लेबाजी को देखकर गेंदबाजों के पसीने ही छूट गए थे। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करते हुए अपनी लाइन लेंथ ढूंढने में सफल नहीं हो रहे थे। दोस्तों वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने मैदान पर जमकर फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करते हुए एक से बढ़कर एक कैच को लपका। गेंदबाजी की प्रैक्टिस करने उतरे भारतीय गेंदबाज जो काफी ज्यादा लय में दिखाई नजर आ रहे थे। बता दें कि प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन भारत के युवा गेंदबाज चेतन सकारिया ने किया था। साथ ही साथ भारत के जबरदस्त फिरकी गेंदबाज यजुवेंद्र चहल भी अपनी फिरकी गेंदबाजी से नेट में बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान करते नजर आए। कई बल्लेबाजों को उनकी गेंद पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भारतीय खिलाड़ियों की यह जबरदस्त प्रैक्टिस को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंकाई खेमे के खिलाड़ियों की रातों की नींद उड़ गई होगी। श्रीलंकाई खेमा काफी चिंता में आ गया होगा कि वो कैसे इन जबरदस्त खिलाड़ियों को सामना करेंगे। दोस्तों भारतीय टीम के प्रैक्टिस में शानदार प्रदर्शन को देखकर आप सभी को क्या लगता है, क्या श्रीलंकाई खिलाड़ी जबरदस्त भारतीय टीम को हराने में कामयाब होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।